ग्रुप थ्योरी के दूसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप की। तो अगर हमारे पास कोई जी का माओ एक ग्रुप है और उसमें तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, तो पहली प्रॉपर्टीज है ए ओ बी इक्वल टू ए ओ सी इम्प्लाइज दैट बी बराबर सी बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? प्रूफ इसको लेके हम बी बराबर सी क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं ए ओ बी इक्वल टू ए ओ सी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट साइड से ए इनवर्स को ऑपरेट कर देंगे। तो ए इनवर्स को जब हम ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स ए ओ सी। और ए इनवर्स जो है वो किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे आप लिख लेना सिंस ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। और यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन ओ इसलिए ले रहे हैं, देखो बाइनरी ऑपरेशन तो प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए हम अभी तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन को ओ से डिनोट कर रहे हैं। अब हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इनवर्स ओ ए बाइनरी ऑपरेशन ओ बी, इसको भी ए इनवर्स ओ ए बाइनरी ऑपरेशन ओ सी। देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, किस रूल से लिखे हैं, देखो ग्रुप में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, ठीक है, तो उसी रूल से हमने लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे कोई नॉन एम्प्टी सेट, मैं आपको पीछे के लेक्चर में ले सकता हूँ जो मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी बाइनरी ऑपरेशन ओ के लिए ग्रुप कहलाता था अगर ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था, क्लोजर एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एसोसिएटिव लॉ जो है अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना सिंस ओ इज एसोसिएटिव, ठीक है। अब देखो तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है, ठीक है, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इस नॉन एम्प्टी सेट जी को बाइनरी ऑपरेशन ओ के लिए ग्रुप बोलते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कोई सेट का एलिमेंट ए है, यानी एलिमेंट ए ले रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट के लिए एक ए इनवर्स भी उस सेट में होगा। तो उसको जब हम एक दूसरे को आपस में ऑपरेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। या ऐसे भी अगर इसको ऑपरेट करें, ए इनवर्स को ए के ऊपर ऑपरेट करें, तब भी ये आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो इसकी जगह पे हम आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, किस नियम से, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के नियम से। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी देखो ए इनवर्स को हमने ऑपरेट किया ए पे, तो ये भी क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा और ये बच जाएगा। अब हम देखो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लेना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सब आप ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तभी तो ये आया है। अब देखो यहाँ से किसी भी एलिमेंट में हम अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो वापस से वही एलिमेंट मिल जाएगा, यानी इस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो यही एलिमेंट मिल जाएगा, और इस एलिमेंट को भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो यही एलिमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे लिख दे लेना लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। अभी मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था, हम क्या करते थे, कोई एलिमेंट जी का लेते थे, ठीक है, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते थे तो क्या मिलता था, वही एलिमेंट वापस से मिल जाता था। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो सब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप जो भी डिस्कस करेंगे सब पहले लेक्चर की मदद से करेंगे, पहले लेक्चर का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम अप्लाई करेंगे। अगर आपको वो लेक्चर देखे हो तो काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको समझने में, तो इसको आप नोट करो। दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं बी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए इम्प्लाइज दैट बी बराबर सी बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, इसको लेके हमें बी बराबर सी क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से ए इनवर्स को ऑपरेट कर देंगे, और ए इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा।
तो राइट हैंड साइड से मैं क्या करता हूँ, ए इनवर्स को ऑपरेट करता हूँ। ठीक है, और ए इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, सिंस ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अब देखो, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट जी को बाइनरी ऑपरेशन ओ के लिए हम ग्रुप कहते हैं अगर ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पे एसोसिएटिव की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना आप, एसोसिएटिव की मदद से हम लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पे लिख लेना सिंस ओ इज एसोसिएटिव, हमने कुछ नहीं किया है, बस क्या किया है, एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई किया है। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम आइडेंटिटी एलिमेंट ई लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आप पढ़े हो किसी भी सेट नॉन एम्प्टी जी को बाइनरी ऑपरेशन ओ के लिए हम ग्रुप कहेंगे अगर ये चार प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, जी के हर एक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वो क्या देगा, उसको हम आपस में ऑपरेट करेंगे तो क्या देगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, या ए इनवर्स के ऊपर ए को ऑपरेट करो या ए के ऊपर ए इनवर्स क्या को ऑपरेट करो, तब भी क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो इसकी जगह पे हम ए को हमने क्या किया है, ए इनवर्स के साथ ऑपरेट किया, तो क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ए को ए इनवर्स के ऊपर ऑपरेट किया है, तो यहाँ पे क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। अब देखो किसी भी यहाँ पे लिख लेना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी उसकी मदद से हम लिखे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हम क्या लिख देंगे, किसी भी एलिमेंट को देखो हम अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ साथ ऑपरेट करेंगे तो वापस से वही एलिमेंट मिल जाएगा, और यहाँ पे भी हम सी को अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो यही एलिमेंट तो आएगा। अब यहाँ पे लिख देना आइडेंटिटी एग्जिस्ट, या लिख देना राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम पीछे का ही कोई भी सेट जी को बाइनरी ऑपरेशन ओ के लिए ग्रुप कहेंगे अगर एच और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो उन्हीं चार प्रॉपर्टी में से हम उन्हीं चार प्रॉपर्टी को यूज करके हम सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, हम आगे डिस्कस करते हैं। लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो राइट आइडेंटिटी, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट आइडेंटिटी जो है राइट आइडेंटिटी भी होती है। तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई इक्वल टू ई, ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट जी के हर एलिमेंट के लिए एक इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम आपस में ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है, ई आता है। या तो आप ए को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करो तब भी ई आएगा, और ए इनवर्स को अगर ए के साथ ऑपरेट करोगे तब भी ई आएगा। तो मैं इस ई को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ए इनवर्स ए ओ ई इक्वल टू ए इनवर्स ओ ए ओ ई, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे अगर आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की मदद से आप लिखोगे तो यहाँ पे ए आएगा और इधर क्या है, ए इनवर्स ओ है, तो ए मिलके क्या हो जाएगा, वापस से यही मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इसको मैंने लिखा है यानी ऊपर वाले में, और इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि यही मिलना है, और यहाँ से भी आप करोगे तो यही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, और ऑपरेट कर देना ई के साथ, फिर यही मिल जाएगा, यानी इस लाइन में और इस लाइन में कोई अंतर नहीं है। तो अब हम इसको ई लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की मदद से। तो ई को अब हम ई के साथ ऑपरेट कर देंगे तो अब क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इस ई को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इनवर्स ओ ए, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना, ऐसे लिख सकते हैं,
इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं अंतर है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की मदद से जब हम इसको आपस में ऑपरेट करते थे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता था, तो इसकी जगह पे हमने ए लिख दिया है। अब हम ये तो इधर से चलता ही आ रहा है, तो ए इनवर्स ओ ए ओ ई। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे यहाँ पे। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए इनवर्स और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ए ओ ई इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देखो ई जो है राइट हैंड साइड से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हो सॉरी ऑपरेट हो रहा है, राइट हैंड साइड से ऑपरेट हो रहा है ई। तो ई को क्या बोलेंगे, ई इज द राइट आइडेंटिटी, इज द राइट आइडेंटिटी ऑफ जी। तो इसको आप नोट करो।